ओके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड लेट एस स्टार्ट हम लोगों ने क्या किया था पहले एक बार उसका पूरा रिवीजन कर लेते बोलो हाँ पक्की बात ठीक है जल्दी से जितने लोग ऑफलाइन कनेक्ट ऑनलाइन कनेक्टेड है वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें हर सोशल मीडिया पे फॉलो कर दीजिए ऐसा मैंने मुझे मेरी मार्केटिंग टीम ने कहने बोला था मैंने कह दिया ठीक है सर चलो जी Uh, क्या पढ़ा था यार हम लोगों ने हाँ ए, बीसी। ए, बेकार लोग हैं ना चलो सबसे पहले सिक्स सिक्स टू फाइव फाइव टू सेवन एट नाइन बराबर है चलो सिक्स को रिकॉल करते लेट्स नॉट ओपन द बुक पर्सन के नहीं इधर भी यस yes, रेसिडेंट है तो एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्स डेज इन फोर प्रीवियस ईयर अगर ये कंडीशन हुई तो रेसिडेंट नहीं तो नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली वन एटी टू डेज शिप क्रू मेंबर पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन याद आ रहा है रहेगा तुम्हारे को अच्छा फिर हम लोगों ने बात करी थी वो आर ओ आर बनने के लिए दो कंडीशन है सिक्स सिक्स में he is resident for टू out of टेन previous preceding year and stays in India for सेवन थर्टी डेज इन सेवन ठीक है ये नहीं सैटिस्फाई तो आर एन ओ आर ठीक है यहाँ तक के ओके okay. अच्छा अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट है तो क्या भी वो डायरेक्ट आर एन ओ आर ही बनता है ये yes. अगर मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ हू इज आउटसाइड इंडिया बट कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट बट आई एम नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी वेयर इन द वर्ल्ड तो इंडिया में मुझे क्या माना जाएगा रेसिडेंट एंड डायरेक्टली क्लासीफाई किया जाएगा आर एनओ आर ठीक है चलो बाजू करो एक एच यू एफ के लिए इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो रेसिडेंट नहीं तो नॉन रेसिडेंट करता सिक्स सिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो ट पोएम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट यहाँ तक के ठीक है ये in पूरा छह खत्म हो गया उठा के बाजू फेंको सेक्शन पांच की हमने शुरुआत करी थी लिखा कुछ नहीं था सिर्फ इंडियन इनकम फॉरन इनकम लिखा था क्या तुम्हें याद है? यस yes, अगर आप आज के दिन आए हैं तो प्लीज पहले के वीडियो सारे देख के आइएगा प्लीज अजीब गरीब सरा पूछिएगा ठीक है हाँ जी फिर हम लोगों ने बात करी थी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम फॉरेन इनकम इनकम वो income होती है जो इंडियन इनकम नहीं है इंडियन इनकम के कितने क्राइटेरिया है चार रिसीव इन इंडिया डीम टू बी रिसीव इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया डीम टू बीड इन इंडिया चलो कमॉन वंस अगेन हाँ रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया डीम टू बीड इन इंडिया चलो एक बार फिर से बोलो तुम्हारे एक्स के लिए रिसीव इन इंडिया डीम टू बी रिसीव इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव इन इंडिया सात और आठ में लिखा है सात के अंदर में क्या लिखा है चार बातें कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बियॉन्ड ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इंटरेस्ट बियॉन्ड नाइन पॉइंट फाइव परसेंट एंड कन्वर्जन ऑफ यू आर पी एफ टू आर पी एफ फिर सेक्शन एट कह रहा था इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिले ऑलवेज डीम टू बी रिसीव इन इंडिया एंड टैक्सीबल एस पर सेक्शन नाइन याद आ रहा है क्या yes. अब हम गए थे सेक्शन नाइन के ऊपर कहा गए थे हम सेक्शन नाइन चलो 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 पहला था सैलरी अर्न इन इंडिया क्या सैलरी अर्न इन इंडिया

रिलायंस इंडियन रिजन को आउटसाइड इंडिया दे रही है नॉट टैक्सेबल बिकॉज ना अक्रू इंडिया में हुआ है ना अराइज इंडिया में हुआ है याद है फिर हमने देखा था डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी फिर हमने देखा था इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ इन तीनों के लिए तो एक ही चार्ट है इन तीनों के लिए कितने चार्ट है एक ठीक है पहला क्या था गवर्नमेंट अगर किसको दे रही है नॉन रेसिडेंट दूसरा क्या है रेसिडेंट अगर किसको दे रहा है नॉन रेसिडेंट तीसरा क्या है नॉन रेसिडेंट दे रहा है किसको ट फॉर बिजनेस इन इंडिया अगर यह अदर देस पर नॉन रेसिडेंट को दिया फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल इन इंडिया यही दो एक्सेप्शन थे हेलो यस yes. अच्छा सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल किया रॉयल्टी नहीं है ना

प्रॉपर्टी असेट इंडिया में सिचुएटेड है या कैपिटल असेट इंडिया में सिचुएटेड है इससे कोई इनकम आई ये भी कौन सी इनकम मानी जाएगी बेटा इंडियन इनकम ये भी ठीक है फिर अगर रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को मनी गिफ्ट किया 2009 के बाद क्या ये भी इंडियन इनकम मानी जाएगी यस yes. फिर हम आए थे आखिरी वर्ड के ऊपर हमने पी नहीं थी हम बीसी थे याद आ रहा है हमने पी नहीं थी हम बीसी थे।, थे पी पी इंटरनेशनल टैक्स में तुमको यहां से फाइनल में उठा के लेके गया था फाइनल में तुम्हें का मतलब क्या था फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस कोई ब्रांच कोई ऑफिस कोई मैनेजमेंट ऑफिस शोरूम कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए yes, ऐसी कई कंपनी थी जो टैक्स अवॉइड कर रही थी याद आ रहा है क्या वो ओपी ओपन नहीं करते थे इंडिया ने इसका एक तोड़ निकाला था क्या लेके आए थे बीसी बिजनेस कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन के कितने पार्ट थे तीन व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन याद आ रहेगा व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन में तीन पार्ट व्हाट इज बिजनेस नहीं नहीं मैं बुक खोलने नहीं दूंगा याद करो अगर कोई रेसिडेंट डैश करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्लूड करता है एग्जाम्पल बताओ टाटा ऑन बिहाफ ऑफ लैंड रोवर जैगवार याद आ रहा है दूसरा था और यू मेंटेन डैश ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट स्टॉक एग्जाम्पल क्या था जुबलियन फूड फॉर डोमिनोज तीसरा एग्जाम्पल बताओ और सिक्योर ऑर्डर डैश फॉर नॉन रेसिडेंट मेनली एंड होल्ली एक्सक्लूसिव सोल सेलिंग एजेंसी वाला कंसेप्ट है तो ही बिजनेस कनेक्शन हैजेंट बोल के वर्क कर रहे हैं तब बीसी होता नहीं है याद आ रहा है तुम्हारे को अच्छा ये खत्म हुआ था तो फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए एंड यूट्यूब के लिए एक प्रोविजन लाई थी वो क्या थी डीम्ड बिजनेस कनेक्शन याद आ रहा है तुमको उनके लिए क्या था बेटा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन अच्छा बताओ अगर अगर गुड सेल करके सर्विसेस देके डाउनलोड ऑफ डेटा डाउनलोड ऑफ वीडियो एटसेट्रा दे करके अगर इनकम दो करोड़ से ऊपर जा रही है या इंडिया में तुम्हारे नंबर ऑफ यूजर तीन लाख के ऊपर जा रहे हैं तो क्या माना जाएगा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन बोलो हाँ यस yes. अच्छा जी तीसरा था नॉट अ बीसी इसको हमने सिर्फ लिखा था पढ़ा नहीं था ठीक है आ जाओ मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुम्हें टारगेट्स पूरे करने बोले थे टारगेट्स पूरे किए तुम लोगों ने टारगेट क्या था पहले ये बताओ सेक्शन सिक्स टू नाइन पूरा पढ़ना था उसमें जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसको तो पहले पढ़ना है आई एम श्योर आपने टारगेट पूरा कर दिया होगा आज का तुम्हारा टारगेट सबसे पहला मैं क्लियर बता देता हूँ पहला टारगेट ये है कि नए मॉड्यूल के हिसाब से क्या बोला बेटा मैंने नए मॉड्यूल के हिसाब से सी एस सी एम ए सी एस एग्जीक्यूटिव जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है तुम्हारे मॉड्यूल के इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो तुम्हारा मॉड्यूल है उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब मेरे क्वेश्चन तो मैं खैर यहाँ पे करा ही दूंगा तुमको मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑन पेपर क्या बोला बेटा मैंने ऑन पेपर सॉल्व करने एक दो जगह गलती होगी दो पांच जगह गलती होगी कोई प्रॉब्लम नहीं एक बार पूरा लिख के निकालना क्योंकि जिस दिन ये कॉन्फिडेंस तुमको आ गया ना कि मैं पूरा मॉड्यूल सॉल्व करके गया हुआ हूं अब जो आना है आ जाए बराबर है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर तो पहला टारगेट आपका ये है दूसरा टारगेट आपका ये है कि आज जो हम बैलेंस पोर्शन पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का उतना आपको क्या करना है कंप्लीट करना है यस yes, जैसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा तो अब तीन टॉपिक आपके खत्म हो गए मैं लगभग कल या परसों

राइट right? और इसके अलावा मेरा सी फाइनल सी फाइनल का फास्ट ट्रैक भी फ्री चालू है तो मेरे पास जो टाइम का जो कंस्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा है ये yes सोनो no? इसी बीच हमारे ऊपर दो बड़े धमाके और आने वाले हैं अभी तो पहला धमाका आने वाला है फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो उन बच्चों के लिए भी कुछ करना है लाइफ में ये yes सोनो no? उनका भी बेचारों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फिर दूसरा जिनका फाउंडेशन का पास का रिजल्ट आ गया उनके लिए भी बैच है तो ये सब है मेरे आँग पे इसीलिए नहीं तो मैं शायद उसमें भी आपकी हेल्प कर देता चलो आओ बी सी पे हम डिस्कशन करते हैं बराबर है नेक्स्ट पेज पे आपको जाकर के दिखेगा नॉट अ बी सी नॉट अ बी सी सी एम ए के मॉड्यूल अगर अपडेटेड नहीं है तो सीए के मॉड्यूल से कर ले क्या कर लो ना बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता एक इनकम टैक्स लॉ ना एक इंडिपेंडेंट चीज है सीए सी एस सी एम ए से दिमेन सेम वेदर यू डू इट इन सी एस सी एस और सी एम ए कोई फर्क नहीं पड़ रहा और नो, हम तो कहते हैं ये जिसका जो जहां से क्वेश्चन मिले सॉल्व कर ले ज्ञान हर जगह बट रहा है जहां से मिल रहा है ले ले, चलो नॉट अ बिजनेस कनेक्शन अब ये कुछ चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी बराबर है जिसमें से पहला था अगर नॉन रेसिडेंट का ऑपरेशन इंडिया में कहा तक रिस्ट्रिक्टेड है करता है और यहां से सीधा कर देता है इनकम अक्रू इंडिया से नहीं हो रही इनकम अराइज इंडिया से नहीं हो रही इंडिया से सिर्फ गुड्स खरीद के एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप सोच के बताइए ये तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है ना उल्टा तो इंक्रीज अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहेगी या उल्टा एग्जम्पन देना चाहेगी एग्जम्शन दूसरी बात मान लो हम टैक्स भी लगा दें लेकिन तब लगाए ना लॉजिकली जब इंडिया में इनकम कमा के जा रहा है यहां से तो परचेज कर रहा वो तो उल्टा इंडिया में पैसे दे के जा रहा है लेके नहीं ये सोनो वो ऐसा होता नहीं है कभी दोस्त आपका कोई गाली दे दे आपको ये या जैसे हमारे कॉम्पिटिटर कई बार हमारे को गाली देते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं हम लोग बहुत प्यारा सा सोचते हैं कुछ दे के जा रहा है ना लेके तो नहीं जा रहा बराबर <laughs> एक ही नहीं अभी जैसे आपका दोस्त आपको फोन करके अब देखिए बहुत प्यारे दोस्त के दो ही डेफिनेशन है पहला डेफिनेशन वो रात में कुछ भी लाने के लिए तैयार है और दूसरा डेफिनेशन वो फोन करके आपका नाम लेने की जगह अगर प्यारे शब्द यूज करे तो वो आपका खतरनाक दोस्त है समझ रहे हैं आप बात को एग्जाम्पल हर चीज के एग्जाम्पल नहीं होते बेटा सुनो राइट तो अभी ध्यान से सुनना पॉइंट नंबर वन अगर आप सिर्फ़ इंडिया में परचेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेवेंस के साथ बता पाओगी क्या कि इंडिया में सिर्फ परचेस करके एक्सपोर्ट क्यों ही करना चाहेगा कोई मैं आपको बताता हूँ सर देखिए इंडिया के आसपास की जितनी कंट्रीज है एशियन कंट्रीज जिसमें इंडियन बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे इंडियन होटल्स होते हैं बहुत सारे इंडियन होटल है इंडियन फूड अगर रहेगा तो मसाले के बगैर तो बन नहीं सकता बराबर है कि नहीं तो वो क्या करते है? जैसे दुबई में बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गए सिंगापुर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गए मलेशिया में हो गए या अदर कंट्रीज़ में ये लोग आते इंडिया से स्पाइसेस बाई करते और उसको सीधा एक्सपोर्ट करके वापस चले जाते यस yes, यानी उनका एक्टिविटी बड़ा सिंपल है कन्फाइंड आएँगे एक्सपोर्ट कर देंगे इंडिया से और ले कर जाएंगे इंडिया से बहुत सारा जिम्स जाता है यस yes, इसके बाद में हनी जाता है राइट रबर चाय तो इन लोग का एक्टिविटी बहुत कन्फाइंड होता है ये आते हैं एकवायर करते हैं निकल जाते हैं इंडिया में सेल ही नहीं करते इसीलिए इनको क्या दिया गया है बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाएंगे और फिर सिंस बिजनेस कनेक्शन है ही नहीं इनकम न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग न्यूज पेपर मैगजीन जर्नल न्यूज जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का फुल फॉर्म था

यहाँ से लेके अपा बड़वन चौक तक के एक फास्ट एंड फ्यूरियस का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये सोनो कैसे वहां के रोड बड़े खाली रहते तो आप कर लो यहाँ पे करके दिखाओ एक आदि पुणे काका को टच करके दिखाओ yes फिर तुमको समझ में आएगा ये सब फिर तुमको बराबर समझ में आएगा क्या रहता क्या नहीं रहता तो So understand, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां पर सिर्फ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इंडिया के अंदर में शूट हो रही इसके राइट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में नहीं हो रहे नहीं में सेल किया जा रहा है बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड बोल रहे वो माइनिंग ऑफ डायमंडल डीम टू क्रोराइज इन इंडिया द एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले डिस डिस्प्ले ऑफ अनकट अन असोल्टेड डायमंड ऑफ अनकट अनडायमंड चलो अभी डिस्प्ले ऑफ अनअसोल्टेड डायमंड क्या है और लाया क्यों गया आप लोग हर साल ना एक न्यूज देखते हैं कि डायमंड के व्यापारी ने अपने एम्प्लॉय को कार दी ये दी वो दी देखते हैं डायमंड हमेशा से ही इंडिया का एक बहुत बड़ा बेस रहा है इंडिया के लोगों को सोना चांदी डायमंड बहुत पसंद है राइट कोह ए नूर डायमंड हमारे यहाँ से ही गया हुआ है अब सिचुएशन समझना जो इंडियन डायमंड मर्चेंट्स थे ना ये लोग क्या करते थे डायमंड ट्रेडिंग एंड यू नो क्लासीफिकेशन के लिए साउथ अफ्रीका जाते थे अब यहाँ पर क्या हो जाता था इनका किडनेपिंग हो जाता था एबडक्टिंग हो जाता था और बाद में इनसे अमाउंट वसूला जाता था इन लोगों ने कहा यार लाइफ के ऊपर आ रहा होगा तो ऐसा धंधा करके मतलब ही क्या है बराबर है कि नहीं है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला कि भैया आप कोई तरीका निकालो कि वो यहीं आके डिस्प्ले कर दें हमको जाने की जरूरत ना पड़े तब इंडिया ने एक रूट ओपन किया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है और सिर्फ डिस्प्ले तक के उनकी एक्टिविटी कन्फाइन रहती है कहाँ तक के डिस्प्ले तक के कन्फाइन रहती है यहाँ पे सेल हो रहा नहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया टैक्सेबिलिटी की बेसिक दो कंडीशन है या तो यहाँ पे वो क्या होना चाहिए रिसीव होना चाहिए या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अक्रू होना चाहिए अब यहाँ पे आप सिर्फ डिस्प्ले करके जा रहे हो देर इज नो सेल तो ऐसी कोई भी इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी बराबर है कि नहीं तो चार चीजें बिजनेस कनेक्शन में नहीं है परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ठीक है न्यूज फिल्म डायमंड आप मेरे हाथों पे जरा वापस से फोकस कीजिए व्हाट इज नॉट अ बी मेरे हाथों पे थोड़ा फोकस कीजिए पूरा देश व्हाट इज नॉट अ बी सी परचेजेज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट परचेसेज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ये एक थियरी क्वेश्चन है जो रेसिडेंशियल स्टेटस में पूछा जाता है इसलिए ये करवा रहा हूँ परचेसेस फॉर द परपज ऑफ एक्सपोर्ट न्यूज फिल्म डायमंड पहनते गले में ठीक है तो चार चीजें बीसी नहीं माना जाएगा परचेजेज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट न्यूज फिल्म डायमंड ये क्या नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा एंड इफ देर इज नो बिजनेस कनेक्शन द इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया ये ठीक है मालिक चलो अब चलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर पाँच की ओर वॉट इज बीसी वॉट इज नॉटीज एन डीम्ड ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया अब हम चलते हैं धारा पाँच की ओर अब देखिए सेक्शन पाँच था हमने ये बॉक्स खाली छोड़ रखे हैं दो तरीके की इनकम थी चलो रिवाइज वन मोर टाइम वॉट इज फॉरन इनकम एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम विल बी कॉल्ड एज अ फॉरन इनकम राइट इंडियन इनकम के कितने पैरामीटर है चार रिसीव्ड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया आ अब ये दो तो हमें समझ में आ गया अब जरा इस टेबल को भी समझ लेते हैं सेक्शन पांच कहता है अगर ये इंडियन है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं सिंपल है अगर ये इंडियन है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल इज इक्वल टू टैक्सेबल तो इंडियन इनकम है तो ये टैक्सेबल रहेगी चाहे असि रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो आर ओ आर हो आर आर हो ड मैटर हम इंडियन को छोड़ेंगे नहीं इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल बराबर है फॉरेन इनकम मतलब जो ना इंडिया में रिसीव हुई ना इंडिया में अक्रू हुई फॉरेन इनकम आर ओ आर को टैक्सेबल करेंगे आर ओ आर इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड घर पे भी पिटेगा बाहर भी पिटेगा समझ में आ रही बात वो तो घर पे भी पिटेगा और बाहर भी पिटेगा तो आर ओ आर से बचना क्यों है क्योंकि आर ओ आर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी अगर एस आई एम सी क्यों आया तो आप ट्रू लिखेंगे या फॉल्स ट्रू तो अगर उसने इंडिया में कमाया या उसने फॉरेन में कमाया उसको इंडिया में टैक्स देना होगा परसों एक बच्चे ने मेरे से फास्ट ट्रैक में एक सवाल पूछा था क्या एक व्यक्ति दो कंट्री में टैक्स दे सकता है क्या एब्सोल्युटली यस दे सकता है बेटा बिल्कुल क्योंकि देखिए हम वन एटी टू टू इस पर रेसिडेंट मान रहे हैं हो सकता पाकिस्तान लिख दे कि छह दिन भी अगर आके रहते हो तो रेसिडेंट मान लेंगे अलग अलग कंट्री के लॉ हो सकते हैं बात समझिएगा अलग अलग कंट्री के लॉ हो सकते हैं ऐसे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है ये फास्ट ट्रैक पाकिस्तान के बच्चे भी देख रहे हैं हाँ 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 वहां पे आई सी ए पी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे पूरे मैक्सिमम लॉ सेम है ये सो नो कम स्थान सेम है हमारे मैक्सिमम लॉज भी सेम है तो आप बिलीव नहीं करेंगे मतलब मेरे को बताते हुए भी खुशी होती है कि फाइनल और इंटर के कई स्टूडेंट हमने कहाँ डिस्पैच किया है पाकिस्तान डिस्पैच किया है दुबई डिस्पैच किया और नेपाल डिस्पैच किया अब तक के लिटरली तीन डिस्पैच किए हम लोगों ने और इतनी खुशी हुई है बिलीव नहीं बहुत खुशी हुई है एक पढ़ाई सरस्वती अलग चीज़ है उसका बैरियर से कोई लेन देन ही नहीं है

तो इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन आपको मिलता है फाइनल्स में फाइनल में एक चैप्टर है कॉल्ड एज डी कौन सा चैप्टर है डी टी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट कम ऑन कम अगेन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट अगर कोई व्यक्ति दो जगह पे टैक्स देता है तो जो उसने फॉरेन में टैक्स दिया है उसका क्रेडिट आपको कहाँ मिल जाता है इंडिया टैक्स देना पड़ेगा आप क्रेडिट ले लीजिए वापस सुनिए आपको टैक्स देना पड़ेगा आप क्या ले लीजिए क्रेडिट ले लीजिए आर यू गेटिंग द पॉइंट जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है आप बहुत जल्द अपने डिग्री कंप्लीट करके पहली बार अपने मम्मी प्पा के साथ या प्रियजनों के साथ फॉरेन जाएंगे एज द केस मे बी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखो टैक्स लगेंगे आप कुछ भी चीज़ बाय करते हैं जैसे आप दुबई गए और मान लीजिए आपने आईफोन बाय किया तो आपको क्या लगेगा वहाँ पे वैट लगेगा बराबर है लेकिन यही वैट का आपको रिफंड मिल जाता है एयरपोर्ट पर आप एयरपोर्ट पर बिल दिखाइए और आपको क्या मिल जाएगा रिफंड मिल जाएगा उस टैक्स का तुरंत ही ये हो जाता है तो टैक्स देना पड़ेगा लेकिन आपको क्या मिल जाता है उसका क्रेडिट मिल जाता है और हर कंट्री के बीच में क्या है डी टी डब्ल्यू है तो क्या ये जरूरी है हर कंट्री के साथ डी टी डब्ल्यू हो जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं है हमारा जोंग <laughs> <क्या>? मेरे जों। <laughs> को थोड़ा और उबाला तो जो बन जाता वो <laughs> बरबर <बरवर की नहीं? laughs> है ना मेरे थोड़ा सा और लो तो वो जो बन जाता वही किम जो तो अगर आप देखेंगे देखे, <laughs> देखे, तो अग्रीमेंट नहीं है अब आपके मन में एक सवाल उठेगा सर आप ही कह रहे हैं कि हर कंट्री के साथ हमारा अग्रीमेंट नहीं है तो क्या हम दो बार टैक्स भरेंगे ना मुन्ना ना क्या हम दो बार टैक्स भरेंगे ना इस केस में भी आप टैक्स एक ही जगह पे भरते हो जैसे मैं नॉर्थ कोरिया में गया नॉर्थ कोरिया में मैंने कोई इनकम कमाई अब हम नॉर्थ कोरिया का जो टैक्स है नॉर्थ कोरिया तो इसका कोई बेनिफिट नहीं दे रहा क्योंकि डी तो में जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है वो उसको क्या देता है रिलीफ रिलीफ देता देता है है वो उसको क्या यानी कुछ भी समझ लो अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के तहत रिलीफ मिलता है अग्रीमेंट अगर नहीं भी है तो जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये लॉ है कि वो उसको रिलीफ देते हैं अब ऐसा रिलीफ देना क्यों जरूरी है भैया उस देश के कितने ऐसे लोग रहेंगे जो दूसरी कंट्री से इनकम कमा के लेके आ रहे हैं समझ शाहरुख खान सर इंडिया में है सब बाजू करो पर आप सोच करके देखो ना ये कितनी गर्व की बात है तो वो इतना वेल्थ अगर इंडिया में लेकर के आ रहे हैं बनता है नहीं उनको टैक्स बेनिफिट देना बनता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि फिर उनको बेनिफिट देती है कौन इंडियन गवर्नमेंट बेनिफिट

ऑल इंडियन इनकम टू ऑल फॉरन इनकम यस फॉरन इनकम टैक्सीबल एन आर को नॉट टैक्सेबल बताइए अगर कोई इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम यूएसए इसका टैक्सीबिलिटी इंडिया में आ सकता है नहीं ना अक्रू इंडिया में हो रहा है ना रिसीव इंडिया में हो रहा तो नॉन रेसिडेंट को फॉरन इनकम इंडिया में टैक्सीबल नहीं है तो यहाँ पे भी टैक्सेबल नहीं है और यहाँ टैक्सीबल कर देंगे हम चार्ट सिर्फ कंप्लीट करने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना लॉजिक समझ रहे हैं है हर एक चीज का है ना सिर्फ कंप्लीट करने के लिए मत करना जब तक दिल से ना आए अब देखिए एक ही कॉलम है जो मैंने फुल नहीं किया आर एन ओ आर का आर एन ओ आर की सिर्फ दो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या तो जो बिजनेस से आ रही है या प्रोफेशन से आ रही है और ये बिजनेस और प्रोफेशन भी कहाँ सेटअप होना चाहिए इंडिया सेटअप होने का मतलब क्या है पहले ये समझिए क्योंकि ये जो सेटअप वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ आर एन ओ आर के लिए है तो सेटअप होने का मतलब क्या है सेटअप होने का मतलब यह है कि उसके सारे डिसीजन मेकिंग कहाँ से लिए जा रहे हैं इंडिया से लिए जा रहे हैं तो आर आर को फॉरेन इनकम टैक्सेबल है ओनली टू जो या तो बिजनेस की है या तो प्रोफेशन की है विच इज सेटअप इन इंडिया तो मान लीजिए आर आर को आपके सामने एक एमसीक्यू रख रहा हूं जवाब दीजिए आर एनओ आर है इसको कोई रेंटल इनकम आ रही है फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इराक विल दैट अमाउंट भी टैक्सेबल इन इंडिया नो कुछ हो क्यों ना ये बिजनेस से है ना ये प्रोफेशन से बात समझ में आ रही है तो सिर्फ फॉरेन इनकम होने से हम टैक्स नहीं कर देंगे वो बिजनेस से होनी चाहिए या प्रोफेशन से होनी चाहिए बेस्ट पार्ट इज ये जो कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ ये नवंबर ट्वेंटी एग्जाम में था यही कंसेप्ट आया था राइट तो अगर ये बिजनेस से है या ये प्रोफेशन से है तो ही ये टैक्सेबल है नहीं तो ये टैक्सेबल नहीं है चलो वापस से हम कहाँ थे एक बार पूरा माइंड मैप कर रहा हूं आपका वापस से हमने छह से चालू किया था पहले रेसिडेंशियल स्टेटस समझा होप जिस बच्चे का यूट्यूब पे मेरे को दो दिन पहले कमेंट था कि सर ये आर ओ आर एनआर एन आर क्यों पढ़ रहे क्योंकि इनकी टोटल इनकम जब तक नहीं निकल सकती जब तक आप इन्हें क्लासीफाई कर दें हम इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं क्योंकि टोटल इनकम निकालना है तो उसको क्लासीफाई करना जरूरी है तो हम फिर यहाँ से आगे बढ़े हमने देखा इंडियन इनकम फॉरन इनकम क्या होती है इंडियन इनकम को पढ़ने के लिए वी हैव गॉन थ्रू सेक्शन फाइव

पक्की बातेंस रेमिटेंस इन इंडिया गिव द नेक्स्ट सड़ी रेमिटेंस इन इंडिया चलो एक एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है पॉलमी बराबर है मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है पॉलमी अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसका जवाब कैसे निकला था वो खुद आप निकालेंगे ठीक है बताइए पॉलमी के पास ऑप्शन है या तो वो सैलरी इन इंडिया अर्न कर ले उसके इंडियन बैंक अकाउंट में सपोज कर लो पॉलमी कोलकाता में रहती है तो पॉलमी या तो उसके बैंक अकाउंट कोलकाता में पैसा रिसीव कर ले या पॉलमी रिसीव करे इसे फॉरेन के अंदर में और सपोज कर लो पॉलमी इज ए नॉन रेसिडेंट वो तो पहले इंडियन सिटीजन थी देश के हिसाब से अभी वो कौन है नॉन रेसिडेंट है वो इसे रिसीव करे फॉरेन के अंदर में और बाद में इंडिया में रेमिट करे क्या सेंसिबल चलिए तो एक एक बात पे फोकस करते हैं अगर सैलरी इंडिया में मिल गई और पॉलमी नॉन रेसिडेंट है विल दैट अमाउंट भी टैक्सेबल इन इंडिया सेक्शन नाइन इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इट विल इंडियन इनकम इज टैक्स आपकिन एनआर ने कोई इनकम फॉरन में अर्न करी विल दैट भी टैक्सेबल इन इंडिया नो क्योंकि वो कौन सी इनकम बन जाएगी फॉरिन इनकम फॉरन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है समझ में आया तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है पल्टो पेज कॉलमी वाला एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का देखो उसने सैलरी कहाँ रिसीव करनी चाहिए पलटो पलटो हमने सॉल्व किया है देखो उसने सैलरी कहाँ रिसीव करनी चाहिए दो ऑप्शन थे हमारे पास पहला ऑप्शन था कि क्या उसने इंडिया में अपने मम्मी के साथ जो अकाउंट मेंटेन किया वहां उसने सैलरी रिसीव करनी चाहिए दूसरा ऑप्शन था कि फॉरेन में ही रिसीव कर ले और इंडिया में सेंड करे क्या बेटर है उसके लिए फॉरेन में रिसीव कर ले यस yes, अब उस केस में वो नॉन रेसिडेंट को फॉरेन में इनकम मिल रही है इंडिया में टैक्सेबल नहीं है अब देखिए कॉलोमी अगर फॉरेन में ही पैसा रिसीव कर लेती है अब ये फॉरेन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर टैक्स लेना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हाँ पैसा बाद में इंडिया में आया वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो इनकम अर्न नहीं है इट इज जस्ट अ रेमिटेंस इट इज जस्ट अ रेमिटेंस

क्या रेमिटेंस इन इंडिया टैक्सेबल होना चाहिए क्या नहीं टैक्सेबल होना चाहिए तो रेमिटेंस इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम लिखिए मिस्टर या मिसेज में मिस्टर या मिस में मिसेज होंगे तो मिसेज भी लिखिएगा जो भी ऑन Amount in Dubai and send to their parents in India. It is not taxable to parents in India. रेमिटेंस करके भी तो फिर सर टैक्स प्लानिंग करते होंगे सही है करते होंगे नहीं करते ही है पर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कर पाते रेमिटेंस कंसेप्ट खत्म एक और कंसेप्ट ले लो फास्ट

अपोज कीजिए कि आप दुबई में ही हैं ठीक है, है आप ही वो कैरेक्टर है पॉलमी आप दुबई में ही हैं और दुबई में आप दस साल रहे हैं कुछ पैसा आपने कई सालों तक के मम्मी पापा को भिजाया होगा और कुछ पैसा खुद की सेविंग के लिए रखा होगा दस साल आप रहे वहाँ पे आपको समझ में आ गया अभी भी कम तो दुबई का पूरा मीनिंग बराबर है अब आपको देश बुला रहा है वापस आप बोलते हो अब मैं मेरे दस साल की सेविंग लेकर के अपने देश वापस जाऊंगा बराबर है उने में मिसल खाऊंगा गेम ओवर अब अपना पूरा सेविंग अब दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री ऑल नो राइट मॉरिशियस इज टैक्स फ्री कंट्री टैक्स यहाँ से आप पूरा पैसा उठा करके भारत लेके आ गए अब आपने रेमिट किया अब आप खुद एक पैसा जो आपने अर्न किया है वो उठा करके भारत लेके आ गए अब इस इनकम के क्लासिफिकेशन को जरूरी है इज इट एन इनकम अर्न इन पास्ट बट अनटैक्स्ड why it is untaxed there can be many reasons there can be many reasons sir can you tell me few reasons point number one the country do not have a taxation system many country do not have dubai still do not have taxation system income tax hai nahi wahan pe yes mauritius hai hi nahi fir hong kong hai hi nahi right तो ये है आप जब final में आएंगे तो आपको और समझाऊंगा कि ऐसा क्या होता है पूरा चैप्टर डीटीडब्ल्यू जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे हम इसको दूसरा reason क्या हो सकता है वहां पे एग्जम्पन मिला है देर इज अ टैक्सेशन सिस्टम बट एग्जम्प्ट भी तो पॉसिबिलिटी है ना सो दैट यू हैव अर्न द इनकम बट टैक्स इज नॉट अप्लाइड थर्ड सम डिडक्शन और एग्जम्शन माइट हैव बीन अलाउड इन अर्लियर यस तो या फिर ये इनकम जो है इस पर टैक्स लगा है बट इंडियन रेट से कम लगा है वो भी हम इसको इंडिया में अन ही मानते हैं मतलब इंडिया में मान के चलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 परसेंट है यही चीज चाइना के अंदर में 3 परसेंट पे है तो हम ये मानते हैं कि इंडिया में ही अन टैक्स अभी तक के पर आप तो वहाँ पे उस रेट से पे करके आ गए हो अब मुझे एक बात बताइए जब कंट्री में ही टैक्स नहीं था और ऐसे पैसे को आप इंडिया में लेके आ जाते हो क्या अब इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार बन गया उस पर टैक्स लगाने का क्यों नहीं बन गया भाई बन गया ना उस पर तो टैक्स ही नहीं लगाता तो हम मन लगा देंगे बन गया ना अब हमारा अधिकार बन गया ना कहाँ से बन गया भाई इस पर टैक्स लेने का अधिकार था भी तो किसका था फॉरन गवर्नमेंट उनने नहीं लिया इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हक हाँ मिल गया बात समझना लेना किसको चाहिए था उनने गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट ने नहीं लिया इसका मतलब यह नहीं हो गया कि भैया पूरी कसर तुम्हें निकालोगे पूरी कसर अरे समझ में आ रही है ना बात तो तुमको कोई राइट नहीं मिल रहा देखिए ये पास्ट अर्न इनकम है which has been untaxed due to various reason if you brought this income as in india that doesn't means indian government gets the right to tax it the income in india yes or no so will that income be taxed in india no not taxed in india yes हम फिर से ये कैरेक्टर उठा लेते हैं कैरेक्टर कौन थी कैरेक्टर कौन थी है पॉलमी पॉलमी वाज लिविंग इन अभी भी कम टू दुबई लास्ट टेन इयर्स एज अ सीविंग ऑफ सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड धराम टू इंडिया सर रेमिटेंस और गिफ्ट में डिफरेंस क्या है बाजू सर रेमिटेंस और गिफ्ट में डिफरेंस क्या है सर दोनों अलग अलग चीज़ है। मतलब दोनों भी बिल्कुल सेपरेट कंसेप्ट है ज़रूरी नहीं हर रेमिटेंस जो हो वो गिफ्ट ही हो फॉर एग्जांपल पैसा मैं इनको भेज रहा हूँ एज अ लोन रेमिटेंस तो है पर गिफ्ट नहीं रेमिटेंस इज अ वे कि मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ पर वो हर रेमिटेंस गिफ्ट नहीं होता ना वो लोन भी हो सकता है यस yes? अच्छा सबको मजा आया हाँ यहाँ। या हाँ चलो भैया बहुत बढ़िया ये भी क्लियर हो गया हैव वी डन हैथ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब देखो इन टोटल हमने कितने सेक्शन कर लिए सेक्शन वन हम था इज इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया येस सेक्शन टू में डेफिनेशन कवर थी सेक्शन थ्री प्रीवियस ईयर की बात करता था सेक्शन फोर बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन फाइव टोटल इनकम सेक्शन सिक्स रेसिडेंशियल स्टेटस सेवन एंड एट डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नाइन डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया तो अब तक के एक से लेकर नौ तक के ये सेक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं आओ ठीक है अब वक्त आ गया है कंसेप्ट तो हमारे सारे खत्म हो गए ये लो इंडियन इनकम लिखा है यहाँ पे यहाँ पे फॉरेन इनकम लिखा है यहाँ पे रेमिटेंस लिखा है यहाँ पे पास्ट फॉरेन अन टैक्सड इनकम लिखा है एक एक वर्ड कवर हो गया नोट्स का यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा रेमिटेंस इन एन अनप्रूव मोड ये टैक्सेबल हो जाएगा यही एक लाइन बाकी है क्या है ये समझिए रेमिटेंस इन एन अनुड मोड मान करके चलिए जैसे आरजे अभी डिसाइड करते हैं कि वो एक विला ले रहे हैं दुबई में बराबर है अभी उनका डिसीजन है आपको क्या लगता है आरजे पूरा पैसा वाइट में देगा क्या बराबर है देना भी नहीं चाहिए हमारे रहते दे दिया तो मतलब ही क्या है ना तो अब मान लीजिए आरजे एक विला ले रहा है दुबई के अंदर में ले रहा है लगभग आज सबके फ़ोन थोड़े ज़्यादा बज रहे हैं प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए आजू बाजू को डिस्टर्ब ना हो चलिए वापस से फोकस करते हैं अब आर जे यहाँ पर वैसे रहते हैं लगभग लगभग उस विला का वैल्यू आ रहा है कुछ लगभग लगभग एक करोड़ के आसपास अब वहाँ पे भी कुछ स्टैंप ड्यूटी लॉ होगा उसके हिसाब से वो सेवेंटी आ रहा है मतलब बचा बचावा थर्टी में देना होगा कैश बचा हुआ थर्टी क्या देना होगा कैश अब सोच के देखो आर जे तीस पेटी किधर से लेके जाए बैग से लेके जाए आदमी की जान कितनी समझ रहे हो आदमी की जान कितनी वो बैग में में से एक हाथ जेब में एक हाथ के बैग में कितना लेकर के जाएंगा आदमी मेरे जैसा रहे तो समझ में भी आए मतलब आप बात समझ रहे आदमी की जान कितनी कितने लेके जाएंगा मतलब देखो एयरप्लेन से तो पॉसिबल नहीं शिप से पॉसिबल है नहीं ये सुनो अब आर को क्या किया जाता है यहाँ से हवाला किया जाएगा नाउ दिस इज एन अप्रूव्ड मोड नो बिकॉज आर बी आई क्लियर कट से अगर आपको ऐसा रेमिटेंस करना भी है तो ये ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए अब अगर इस तरीके से कोई कैश पकड़ा जाता है या यू you नो know, ये एक पावर है जो दे के रखा है कि ऐसा कोई कैश हवाला का या अदरवाइज पकड़ा जाता है जो किसके अंदर में पकड़ा जाता है कस्टम या अदर चीज़ों में पकड़ा जाता है तो फिर वो अमाउंट को अनएक्सप्लेन्ड मनी के तहत टैक्स कर दिया जाएगा कहीं सुना, सुना, लग रहा है ना ना मनी मनी ऐसा जिसको आप क्या ना कर एक्सप्लेन सोच सर, सर <laughs> कुछ नहीं बोला मैं जानता ही नहीं इस आदमी को मेरे ग्रुप में भी नहीं आता <laughs> ग्रुप टू <laughs> समझ नहीं आया मैं तो बोल दूंगा मेरे ग्रुप में भी नहीं आता <laughs> ग्रुप टू खत्म विषय अंडरस्टैंड

सर हवाला होता क्या है प्लीज़ शॉर्ट में समझा दीजिए कुछ नहीं बेटा ऋषभ सर तीस लाख रुपए अब लेके तो जा नहीं सकते तो विजय सर दुबई में एक जन को फ़ोन करेंगे मेरा एक फ्रेंड आ रहा है इसके नोट का नंबर ये है जैसे ये नोट आपको प्रोवाइड करे इसको तीस पेटी दे देना दे आपके भाई को तीस पेटी में यहाँ दे रहा हूँ समझ में आया तो जो बंदा एक मिनट बस जो बंदा कहाँ बैठा है दुबई में बैठा है सपोज़ उसका भाई पुणे में बैठा है मेरे को पैसा कहाँ चाहिए दुबई में बराबर है तो मैं क्या करूँगा उस बंदे को कॉल करता हूँ जस्ट गिव देम मैं यहाँ तेरे भाई को दे रहा हूँ तो पहले मैं यहाँ जाके उसके भाई को देता हूँ उसका भाई वहाँ पे कन्फर्मेशन देता है और आर जब ये नोट लेके जाएगा तो ही उसको पैसा मिलेगा नहीं तो उसको पैसा मिलने वाला अच्छा वो हवाला वर्कस तो अब आप उसको लेके नहीं जा सकते आप यहाँ से सेटलमेंट कर देते हो या वहाँ से किसी के पास कैश पड़ा होगा वो सेटल कर देगा अच्छा वो हवाला वर्क्स जनरली अप्रूव्ड मोड पकड़ अनूव मोड पकड़ में नहीं आते पर जिस दिन पकड़े गए मनी के अंदर में कवर हो जाएंगे जी वो दोनों इसी चीज के फ्री में थोड़ा करेगा वो मेरे से कमीशन लेगा ना, ले ना पर लैक के पीछे का कमीशन होगा उसका वो दो भाई अपना अपना सेटलमेंट करते बैठे लेटमी मुझे अगर नागपुर में भेज किसी को पैसे देने हैं मैं क्या बोलूँगा मेरे भाई को भाई सेटल कर ले फिर हमारा हमारा हिसाब हम देखते बैठेंगे हमारे को कब करना है ये yes सुनो no? वैसे छोटे भाई का कोई हिसाब किताब होता नहीं है बट स्टिल स्टिल हम हमारा हमारा देखते बैठेंगे हमारे को कब सेटल करना है दैट्स हाउ वो वाला वर्क ये सुनो राइट बट ये सब बेटा मत पड़ो ये सब कोई काम की नहीं लिव लाइफ एथिकली ये सुनो चलो आते हैं सर्कुलर अब सर्कुलर नंबर थर्टीन टू ये क्या है लास्ट कंसेप्ट इन रेसिडेंशियल सर्कुलर नंबर थर्टीन टू थाउजेंड समझिए। आपको मैंने पढ़ाया था और कहा था सैलरी वहाँ टैक्सेबल होती है, है. याद आ रहा है आपको सैलरी तो की टैक्सीबिलिटी वहां होगी नॉट लेटे अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी this as a ship. शिप अब मान करके चलो ये है एक शिप क्रू मेंबर। ये कौन है शिप क्रू मेंबर। पॉइंट ये है कि इसका बैंक अकाउंट जो है ना ये इंडिया में है और इसने जो अपनी सर्विस रेंडर करी है सर्विस जो उसने रेंडर करी है ये रेंडर करी है लेट्स से नॉर्थ सी फॉरेन सीधे शब्दों में बराबर है अब आप मुझे बताइए टैक्सेबिलिटी कैसे होगी सर्विसेज अगर नॉर्थ सी दैट इज फॉरेन में रेंडर किया तो टैक्सेबिलिटी फॉरेन में राइज हो जाती बट सेक्शन नाइन कहता है मनी जहां रिसीव हुआ वहां टैक्सेबल होगा अब एक प्रबल क्वेश्चन अराइज हुआ सेक्शन पंद्रह फॉलो किया जाए सैलरी जहां अर्न की गई वहां टैक्सेबल या सेक्शन नाइन फॉलो किया जाए जहां पैसा रिसीव हुआ taxable in that country here section 9 clearly contradicts with section 15 which to follow issue samjha kya tha there was no clarity in law section 15 was saying if the salary is taxable at a place where services are rendered services ka render hui foreign but as per section 9 if the amount is received in india

रेंडर हुई है पर सेक्शन नाइन बोल रहा था अगर पैसा इंडिया में मिला तो टैक्सीबिलिटी कहाँ होनी चाहिए इंडिया में होनी चाहिए नाउ यू टेल मी नाइन विल प्रिवेल और फिफ्टीन प्रिवेल टैक्स इंडिया में देगा या फॉरेन में देगा नाइन मतलब इंडिया फिफ्टीन मतलब फॉरेन कहाँ देगा समझ में आया इशू क्या था वे इशू का निवारण कैसे किया जाए जब भी कोई चीज पे ग्लिच हो क्या आ जाता है टू क्लैरिफाई सर्क्यूलर याद आता है इसलिए भारत सरकार को क्या लाना पड़ा सर्क्युलर अब सर्कुलर ला करके उन्होंने कहा सुनो मैं अब डीटी से निकलता हूं पहले मैं जाता हूं दर्शन खरे के अंदर में लॉ में कुछ अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से बराबर अगर स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल है जनरल प्रोविजनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज इफ स्पेसिफिक प्रोविजन इज एप्लीकेबल जनरल प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल द स्पेसिफिक प्रोविजन ओवर राइड जनरल प्रोविजन्सौ नौक्स जस्ट बिकॉज सैलरी इज क्रेडिटेड टू इंडियन बैंक अकाउंट डज नॉट मीन्स टैक्सेबल इन इंडिया सेक्शन फिफ्टीन विल प्रिवेल एंड स्पेसिफिक प्रोविजन इज अवेलेबल जनरल प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल अब पढ़ लो समझ में आ जाएगा और जिसका ये हो गया उसने क्वेश्चन नंबर वन भी सॉल्व करना सर्कुलर समझ में आया सभी को पक्का सर्कुलर समझ में आया चलो ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर वन जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा टोटल इनकम वाला उस पर बेस्ड है बेस्ट पार्ट ये है ये क्वेश्चन आपके नए मॉड्यूल के अंदर में है ये पास्ट एग्जाम में दो बार पूछा गया है सी एम एग्जामिनेशन में फिगर बदल के भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ट्राई करेंगे दोनों साथ-साथ में मिस्टर आर एंड एस आर ब्रदर एंड दे आर अर्निंग द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर आर इज सेटल्ड इन कनाडा आर कहाँ सेटल हुए कनाडा वो भी कब से 2006 मतलब आर कौन हो गए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया यस जबकि एस हमेशा से कहाँ थे है ना कहाँ से है वो दिल्ली से है एस तो मतलब वो कौन हो गए आर और बराबर वो कहाँ से हो गए भैया अपनी दिल्ली से हो गए दिल वालों की अब देखो एन दिख रहा है आर दिख रहा है और कुछ इनकम है हर इनकम को पढ़ने से पहले आप प्लीज मुझे बताएंगे इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम आप टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल पर डिस्कस मत कीजिएगा चलिए पहला इंटरेस्ट ऑन कैनेडियन डेवलपमेंट बॉन्ड 50 परसेंट अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया 50 परसेंट तो इंडियन इनकम हो गई इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल टू ऑल बची हुई फिफ्टी इनकम फॉरन इनकम हो गई ROR को टैक्सेबल एनआर को नॉट टैक्सेबल यानी क्या मैं कह सकता हूं एनआर के केस में ओनली फिफ्टी चलो दूसरा ये हो गई फॉरेन इनकम दूसरी इनकम डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन इंडियन इनकम और अ फॉर इनकम फॉरेन इनकम आर ओ आर को टैक्सेबल एनआर को नॉट टैक्सेबल पक्की बात थर्ड प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर नागपुर

फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया इंडियन इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक इंडियन इनकम एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन गोवा में भी एग्रीकल्चर होता है होता है होता भाई एग्रीकल्चर होता है गोवा में एग्रीकल्चर होता है चलो रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल नैन इनकम फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पेड लिखा है इनकम नहीं है वो हाँ तो ऐसे मत ले लेना आ जाओ वन एन आर आर ओ आर मल्टी आर एस पहला क्या था इंटरेस्ट ऑन कैनेडियन डेवलपमेंट बॉन्ड यहाँ सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वहाँ पूरी अमाउंट क्या है हाँ इतना है वो इधर तो पूरा फोर्टी थाउजेंड आ जाएगा ठीक है ना दूसरा क्या है डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी एनआर के हाथ में टैक्सीबल नहीं होगा इन नागपुर इधर आ गया वन लैख फोर्टी थाउजेंड ग्लोबल इनकम आर ओ आर के टैक्सीबल फिर था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन sale of years of 90 000 from um, five business in business in 2000 आपने इसमें क्यों नहीं लिखा अरे अर्न ही नहीं किया तो क्या इंटरेस्ट ऑन एविंग एंड ट्वेल्व थाउजेंड अग्री एट

rent received in respect of property at bhopal 70,000 and 42,000 sir, no sir no sir book has written 1 lakh and 60,000 oh yeah ओके स्टिल आई विल टेक सेवेंटी थाउजेंड एंड फोर्टी टू थाउजेंड एनी वन एनी वन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कोई तो बोलो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखिए अगर आपको एच पी इनकम और सैलरी इनकम कंप्यूटेड लिखे हुए नहीं है अगर आपको एच पी इनकम एंड सैलरी इनकम कंप्यूटेड लिखे हुए नहीं है इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ़ थर्टी परसेंट अंडर सेक्शन 24 ए. बी में आया हो था हाँ, अगर ये स्टैंड यहाँ पे क्लियर कट लिख देते कंप्यूटेड क्या लिख देते? बस खत्म हो जाता. में और कुछ है ही नहीं सारे हेड की इनकम को मिला के क्या बनेगा बोल बेटा ग्रॉस टोटल इनकम चलो सितार है फोर लैख थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इधर कितना आ रहा है देखो इज इट फोर फोर्टीन सो नहीं करता है कितने marks? मतलब क्या सर इस क्वेश्चन में प्रोविजन भी लिखनी है Depend करता है कितने marks को आया मान के चलिए ये चार या मार्क्स को आया तो एग्जामिनर आपसे फिर provision expect नहीं कर रहा number of points में ही आप मान करके चलिए कि वो सफिशेंट इनफ है पर यही question अगर आपको एट मार्क्स के लिए आ जाता है तो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अंदर में सेक्शन पांच को टैक्सेबिलिटी को अलग अलग कर दे ठीक है इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन नाउ अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ने बोला है क्या कि दे आर ऑप्टिंग और दे आर नॉट ऑप्टिंग आंसर इज नो डैश डैश डिफॉल्ट की अब मैं नीचे जाके आप लोग के लिए सिर्फ आप लोग के लिए नोट लिख रहा हूं अगर ये माई नोट है एग्जाम में मत लिखना अगर 115 BAC डिफॉल्ट ना होता तो ए में एल आई पेड का डिडक्शन मिलता और ए में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता याद आ रहा है नवंबर 23 में यही क्वेश्चन ये दो डिडक्शन लिए हैं सेम मॉड्यूल में नए 24 नवंबर 24 के मॉड्यूल में यही क्वेश्चन को अपडेट करके विदाउट डिडक्शन ले लिए समझ में आया व्हाट इज दी अपडेट 434 500 4 लाख 14 नीचे एक अजूम एक अज्ञान्मिशन लिखो लिखा बेटा आपने hmm. एक एजमिशन लिखिए वी आर एज्यूमिंग दैट असएसी हैज ऑप्टेड द डिफॉल्ट स्कीम ने? समझ में आया आपको पॉइंट ओके चलिए एक और क्वेश्चन बचा है आपकी बुक में गो फॉर इट आपके हवाले वतन साथियों ट्राई right. प्रॉब्लम यहाँ पे देखो एक बात समझना प्रॉब्लम यहाँ पे अगर क्लियरली लिख के दे दे वी आर ऑप्टिंग आउट तो आपने डिडक्शन लेना चाहिए अदरवाइज डिडक्शन नहीं लेना चाहिए हम तो इस सॉल्व कर रहे हैं डेट 115 एंड डिफॉल्ट लिया गया है तेरा क्लियर हुआ लाला पढ़ क्या है तू पक्का today भाई सर कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे तो होगा नहीं पहले ये तो क्लासीफाई कर लो बंदा कौन है आर ओ आर आर एन ओ आर या एन आर इजी एन आर आउ रवन इज सिटीजन ऑफ इंडियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन फेबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले ही वो इंडिया छोड़ चुका है इज नॉन रेसिडेंट इन द प्रीवियस इमारा प्रीवियस इवेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वो नॉन रेसिडेंट हो गया अब नॉन रेसिडेंट को कुछ इनकम आई हैल गवर्नमेंट का एम्प्लॉ इंडियन सिटीजन है सैलरी मिल रही है विल दैट भी टैक्सीबल पर फॉरन अलाउंस इंटरेस्ट ऑन एवडी फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इन मलेशिया टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल कैन आई हैव योर हैंड्स टैक्सेबल कॉन ओन योर ओपिनियंस टैक्सेबल टैक्सेबल टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट परफेक्ट इनको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रहा कि एग्रीकल्चर इनकम फॉरन से आई तो टैक्सीबल वो ये भूल गए कि नॉन रेसिडेंट को फॉरन इनकम आई तो नॉट टैक्सेबल समझ में आया कहाँ इम आ रही है लास्ट पॉइंट नॉट टैक्सेबल बिकॉज ना वो बिजनेस से है ना वो प्रोफेशन से है समझ में आया ब्यूटिफुल क्वेश्चन लिखो सर क्या लिखेंगे लिखना क्या है

इंटर लेवल पे तुमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि तुम लिख कर क्या हो बात समझ रहे हो इंटर लेवल पे तुमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है तुम लिख के आओ एज पर सेक्शन सिक्स एन इंडियन सिटीजन एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट कैल बी कंसिडर्ड As a resident, if he stays in India for at least one eighty two days in previous year, for at least. 182 days in previous year further further he shall be liable to tax only on such income which is received or accrued in India? Section five, everybody. Therefore, total income rupees salary five lakh sixty thousand. That is 6 lakh 10,000 minus standard deduction 50,000. Second foreign allowance dash third interest on FD. Is it 1 lakh 10,000? Yes. Fourth agriculture income dash. Fifth rent from Malaysia. डैश हम नीचे आके नोट लिख देंगे दो आस्पेक्ट्स पे टोटल तो आंसर सिक्स लैक सेवेंटी थाउजेंड मेटर राइट डाउन नोट नीचे लिखो नोट नोट नंबर वन एस पर सेक्शन नंबर फाइव एस पर सेक्शन नंबर फाइव इफ अ नॉन रेसिडेंट अर्न इनकम इफ अ नॉन रेसिडेंट अर्न इनकम

further the rent received by non resident in malaysia the rent received by non resident in malaysia will also not taxed in india Will also be not taxed in India. इज़ अ डन मालिक चलो बहुत बढ़िया जी हाँ जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन मलेशिया हाउस प्रॉपर्टी से और कौन सा इनकम आएगा बेटा रेंट के अलावा कोई इनकम आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए हाउस प्रॉपर्टी से मा, मान लीजिए अगर ये सेल होता तो वहाँ पे सेल लिखा होता अगर वो हाउस प्रॉपर्टी से है मतलब फिर वो रेंट ही माना जाएगा इज आ डन चलो आ जाओ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये चैप्टर भी खत्म हो गया मजाक मजाक में देखो तुम्हारे तीन चैप्टर खत्म हो गए ये सर नो आता कैसा वाटते मस्त लग रहा है अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंटेंट प्लस प्रॉब्लम प्लस अमेंडमेंट एवरीथिंग इज कवर्ड और नॉट दो घंटा तुम रोज ईमानदारी से नहीं बैठते थे ये तुमको भी मालूम है <laughs> वो तो ढाई से साढ़े चार में तो बिल्कुल ही नहीं बैठते थे बट एक तो डिसिप्लिन के चक्कर में आप देखो जो भी नंबर ऑफ डेज हुए सात आठ वट पर इस चक्कर में देखो यार पूरे के पूरे तुम्हारा ही नहीं पूरे भारत का साथ साथ में रिविजन चालू है तीन चैप्टर खत्म हो गए बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ने का मूड है क्या पढ़ना चाहोगे बोलो तुम जो बोलो वो चालू करो पीजीपी चालू करोगे <laughs> नहीं ऐसा देखो ऐसा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा है ना ऐसा कॉन्फिडेंस इधर से इधर नहीं लाना है हमारे को ठीक है चलो मैं तुम्हारे को तीन ऑप्शन देता हूँ तीन ऑप्शन में से तुम चूज करो जिसमें से मेरा प्रिफर्ड ऑप्शन मैं तुमको पहले बता देता हूँ उसका, उसका आपको बता दू उसका बहुत स्पेसिफिक रीजन ये है कि तुम्हारे लेवल पे इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है यस और चैप्टर बड़ा है जल्दी खत्म हो जाएगा तो एक बोझ खत्म हो जाएगा बराबर है कि नहीं है दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास एच जो शुरू होती है शायद दो दिन में खत्म हो जाए तीसरा ऑप्शन है आई सैलरी ठीक है सर क्या चालू करेंगे सैलरी चालू करेंगे चलो कल भी स्टार्ट हाँ एक मिनट मैं आज का टारगेट आपको लिख के दे देता हूं टारगेट क्या है आपका टारगेट करना है कंप्लीट रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ठीक है ये आपके बेसिक टारगेट्स से ये लो जी हाँ सारे सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन ही आपको क्या करने हैं सॉल्व करने हैं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हम लोगों ने डाल दिया है। जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया होगा कर लेना ताकि आपको ये मिलता रहे चलो क्या बोले कल लेक्चर कल क्या है इससे तुम्हारा क्या वास्ता तुम बोलो ना मैं छुट्टी देता ना मेरे को क्या तकलीफ है भाई मेरे को कौन से 146 दिन बाद एग्जाम देनी है मेरे को कोई तकलीफ नहीं तुम बोलो उल्टा मैं तो मेरे घर घर पे जाके बीवी के बाजू में सो जाएगा आ, ओ क्या कर रहा मैं और किसके पास सोएगा <laughs> ये तो कॉमन सेंस है ना ओ ओ क्या मैं और किधर सोएगा बराबर <laughs> है कि नहीं मेरे को क्या मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है देना है गल ऑफ चलो दे देते हैं अरे देते ना नहीं ना ठीक है तुम फोर्स कर रहे हो इसलिए लेना पड़ेगा मेरे को ठीक है मेरी इच्छा नहीं थी तुम फोर्स कर रहे इसलिए मैंने आज तक कभी एक्स्ट्रा नहीं लिया हाँ, मतलब लास्ट तो कब लिया था क्या ही पता चलो आओ आ जाओ रजिस्टर में नया आप चैप्टर चालू करो सैलरी कम ऑन एवरी बर्थ नेक्स्ट चैप्टर चालू करो सैलरी हाँ जी सर सैलरी में कितने सेक्शन है याद करो अबे सेक्शन पूछ रहा हूं बहुत नहीं नहीं सर जो भी कुछ है बहुत है सैलरी के अंदर ना तीन सेक्शन है कौन कौन से मैं आपको बताऊं सिक्स्ट, फिफ्टीन सिक्सटीन 17 ऐसे तीन ही सेक्शन है एंड एंड सर ये सिर्फ बोलने के लिए बराबर है कि नहीं इतना सब कुछ है जिसकी हद नहीं हद अब सुनो ऐसा हो सकता है कि आपने जब बचपन में सैलरी पढ़ाओ बचपन मतलब तुम्हारा पहला अटैम्प्ट जब तूने बचपन में सैलरी पढ़ाओ तो तुम बाकायदा पहले बेसिक में गए होंगे फिर अलाउंस में गए होंगे फिर रिटायरमेंट बेनिफिट फिर परक्वजिट में गए होंगे मैं इस सीक्वेंस को चेंज कर रहा हूँ पहले बेसिक सिखाऊंगा यहाँ से सीधा परकुजट पे लेके जाऊँगा परक्विजिट से रिटायरमेंट बेनिफिट पे लाऊंगा वहाँ से अलाउंस पे लेके आऊँगा तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा जब हम रिविजन करते रहेंगे ध्यान से सुनना हमारा सीक्वेंस पहले लिख लो हमारा सीक्वेंस रहेगा सबसे पहले बेसिक बेसिक से हम जाएंगे पर्क्स के अंदर में पर्क्स के अंदर के बाद हम लोग जाएंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर में वहाँ से हम जाएंगे अलावेंस के अंदर में और यहाँ से हम जाएंगे डिडक्शन्स की तो दैट्स हाउ होल सैलरी विल बी कंप्यूटेड ठीक है अब आ जाते हैं एग्जाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा कि आप जानते हैं परंपरा के हिसाब से अपन पहले यहाँ पे ए बी सी एनालिसिस बना लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो पूछी जाएगी सबसे पहले आपको सैलरी पूछी जाती है मतलब सैलरी का कंपिटिशन पूछा जाता है एक दूसरा जो आपको पूछा जाता है वो है अलावंस अब अलावंस में अब ध्यान से समझना अगर एग्जामिनर अब आपको सैलरी का क्वेश्चन देगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन इसी चीज़ पे बेस्ड होगा दैट इज नॉट ऑप्टिंग 115 एंड तब जाके वो मल्टीपल चीजें पूछ पाएगा नहीं तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है उसके हाथ में यस yes, अलाउंस में कौन कौन से फेमस अलाउंस है सबसे पहला है एच जो तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बट इफ़ यू ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड ये नहीं मिलता है, याद है ना राइट right? दूसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस चिल्ड्रन होस्टल अलावन्स। तो अलाउंस में ये तीन सबसे ज्यादा फेमस है। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेचुटी दूसरा है लीव एंड कैशमेंट बराबर है दूसरा क्या है लीव एंड कैशमेंट तीसरा है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और चौथा है वी आर एस

सेल ऑफ एसेट्स यूज ऑफ एसेट्स ये वो है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मतलब आपको हर सैलरी के क्वेश्चन के अंदर में देखने को मिल जाएगा इसके अलावा सर कोई परक्विजिट जो ऐसा लगता है आपको पूछा जा सकता है एनी वन गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है तो क्या एंड अल्टीमेटली डिडक्शंस तो आपको पढ़ने ही पड़ने ऑल बराबर है सुनो रिटायरमेंट बेनिफिट में एक और चीज ऐड करना पीएफ एंड इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड है ना तुम यहां से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन काट सकते हो इसके जगह पे पीएफ लिख दो ऑब्लिक करके पीएफ लिख दो यहाँ वो ज्यादा सेंसिबल है पहले ये पढ़ना टाइम मिले तो ये पढ़ना एग्जाम में पहले प्रोविडेंट फंड वाला कंसेप्ट पढ़ना टाइम मिले तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़ लेना ये आपके सैलरी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं अच्छो सैलरी बोले तो याद आ रहा है तुमको थोड़ा बहुत ठीक है देखो सैलरी आपको हार्ड क्यों लगता है इसके तीन बेसिस बताता हूँ और सैलरी को मल्टीपल टाइम कैसे रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके पास डीटी चार्ट्स है नहीं है तो आप ले लीजिएगा उसको मात्र थर्टी सेवन पेजेस के अंदर में पूरा कवर करा हुआ है थर्टी सेवन पेजेस में पूरा डी टी में सब कुछ कवर करके रखा हुआ है आप जब भी सैलरी पढ़ते हो ना आपको डिफिकल्टी आती है क्योंकि सैलरी है इजी पर लेंदी इतना है कि याद नहीं रहता ये बेसिक प्रॉब्लम है यह yes सोनो no, इतने सारे प्रोविजन है कि याद ही नहीं रहता इसके लिए आप सबसे बेटर क्या कीजिए सैलरी को हमेशा पार्ट पार्ट में रिवाइज कीजिए डोंट रिवाइज द सैलरी एट वन टाइम मतलब यू जस्ट टेकअप परक्विजिट क्विजिट देन नेक्स्ट डे यू जस्ट टेकअप रिटायरमेंट बेनिफिट देन यू जस्ट टेक बेसिक एंड अलाउंसेस एंड डिडक्शन और फिर चौथे दिन में आपने ना इसको पूरा रिवाइज करना चाहिए तो इससे क्या होगा आपके मल्टीपल टाइम रिविजन हो जाएगा और सैलरी कभी भी एक बर्डन नहीं लगेगा ठीक है तो चलिए सैलरी के अंदर में आते हैं सैलरी की अगर मैं बात करूं सेक्शन 15, 16, 17 ऐसे तीन सेक्शन है सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट डिडक्शन सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट परक्विजिट्स सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट परक्विजिट्स एसेंशियली 15 और 16 ही आपके काम का है फिफ्टीन टॉक्स अबाउट सैलरी एंड सिक्सटीन टॉक्स अबाउट डिडक्शन ये सोनो अच्छा सैलरी अगर टैक्स करनी है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है मतलब जो सैलरी दे रहा है वो कौन होना चाहिए एम्प्लॉयर जो सैलरी ले रहा है वो कौन होना चाहिए एम्प्लॉय नाउ द वर्ड एम्प्लॉयर इज़ नॉट डिफाइंड जिसका मतलब है एम्प्लॉयर फुल टाइम पार्ट टाइम हो सकता है गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हो सकता है द वर्ड एम्प्लॉय इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड मतलब एम्प्लॉय पार्ट टाइम फुल टाइम हो सकता है स्किल्ड अनस्किल्ड हो सकता है दोनों भी चलेगा राइट right? अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो आप सैलरी में टैक्स नहीं कर सकते लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रेम्यूनरेशन दे रही है किसको पार्टनर को तो क्या वो सैलरी में टैक्स हो सकता है नेवर ये कहाँ टैक्स होगा पीजीबीपी सेक्शन ट्वेंटी पार्टनर इवन दो टेकिंग रेम्यनोरेशन एवरी मंथ इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म इज अ पार्टनर

क्योंकि बोनस देना मैंडेटरी नहीं है इसीलिए बोनस जिस साल रिसीव होगा उसी साल टैक्सेबल होगा थर्ड सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड मान लीजिए लीव एनकैशमेंट लीव सैलरी जो है वो भी जब रिसीव होगी तभी टैक्सेबल होगी एंड नेक्स्ट इज अरियर्स ऑफ सैलरी कई बार ऐसा होता है कि सैलरी आगे जाकर के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाई जाती है इसे कहा जाता है अरियर्स ऑफ सैलरी लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल आप में से आपके दोस्त या आपके घर वाले कोई गवर्नमेंट जॉब uh, में होंगे देखिएगा वो सिक्स पे कमीशन पे होंगे जैसे ही सेवंथ पे कमीशन आएगा सेवेंथ पे कमीशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाया जाता है तो जितना आपको एक्सेस आना चाहिए फिर उतना एक्सेस आपको एक साथ दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ सैलरी दैट इज कॉल्ड एज अरयर्स ऑफ सैलरी तो अरयर्स ऑफ सैलरी एडवांस सैलरी बोनस एंड लीव सैलरी ये उस साल टैक्सेबल होता है जिस साल रिसीव होता है जिस साल वो क्या होगा बेटा रिसीव होगा क्लियर है सैलरी इज अ कंप्यूटेशन ऑफ थ्री थिंग बेसिक अलाउंसेज एंड टैक्सेबल परक्विजिट ये yes no? अच्छा वैसे अगर मैं आपको याद दे रहा तो एक पॉइंट जो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं वो भी लिख देते हैं सैलरी इज टैक्सेबल लिखो एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड ये yes ओ no? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अमेंडमेंट 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 देखिए रीसेंट टाइम्स में ना जो आर्मी या डिफेंस फोर्सेस होते हैं ये एम्प्लॉय के बिहाफ पे अग्निवीर कंट्रीब्यूशन करते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसका पैसा एम्प्लॉय को मिलता है फ्यूचर में अब एक सवाल था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के भी हफ्ते अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करता है क्या ये सैलरी माना जाएगा फाइनेंस एक्ट 2023 ने क्लियर किया हाँ ये क्या माना जाएगा सैलरी माना जाएगा फर्दर इसका वो डिडक्शन भी ले पाएगा ए में तो एक नया डिडक्शन आया ए एक नया डिडक्शन आया कौन सा बेटा ए तो सैलरी इंक्लूड्स द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड

सबसे पहले कौन सी चीज टैक्सेबल है? बेसिक सैलरी रजिस्टर में जाओ सेक्शन 15 मेंशन करो चार्जिंग सेक्शन मस्ट बी एम्प्लॉयर आफ्टर आई विल राइट इट एज ई आर पेपर में ई आर नहीं लिखने का देर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉ जिसको हम ह्योर इन आफ्टर ईई लिखेंगे पेपर में नहीं लिखने का सी ए सी एस सी ए में रिलेशनशिप देर मस्ट भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉ रिलेशनशिप सेकेंड सैलरी इज टैक्सेबल At a place where services are rendered, salary is taxable at a place where services are rendered. Third, salary is taxed.

नेक्स्ट पॉइंट फुल्ली टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट मुझे आपको ये अच्छे समझ से समझाना है ध्यान से समझिएगा फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट सबसे पहले क्या है बेसिक सैलरी देखो बेसिक सैलरी ना दो प्रकार की होती है एक आपको डायरेक्टली अमाउंट दी जाती है दूसरा जो होता है वो आपका ग्रेड पे होता है मतलब आपको दो तरीके से दिया जाता है एक होता है नॉर्मल पे दूसरा होता है ग्रेड पे एक होता है नॉर्मल पे दूसरा होता है ग्रेड पे जनरली ग्रेड पे जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है जनरली ग्रेड पे जो होता है वो किसके लिए होता है बोलो बेटा नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए तो नॉर्मल पे में जो भी आपका अमाउंट रहेगा इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ये स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा आपका सैलरी मतलब ये नॉर्मल केस है जहां पे सैलरी आपको लिखा होगा ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू नंबर ऑफ मंथ स्ट्रेट अवे आपका सैलरी आ गया यहां पे कोई गेम नहीं है ग्रेड पे में तुमको क्या दिया जाता है ग्रेड पे में तुमको क्या दिया जाता है मैं आपको बताता हूं ग्रेड पे में आपको दिया जाता है ऐसा लिखा होता है फोर्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड एटी थाउजेंड अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है एनी जब वो जॉइन करेगा एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, हिज सैलरी विल बी फोर्टी थाउजेंड एवरी ईयर जैसे ही एक साल कंप्लीट होता फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं डेट ऑफ जॉइनिंग से जैसे ही एक साल कंप्लीट होगा द सैलरी विल बी इंक्रीज्ड बाय फाइव थाउजेंड एंड देन ये हर साल तक चलता रहेगा जब तक कि आपका सैलरी एटी तक के नहीं हो जाता तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग Salary will be forty thousand every year upon completion. Salary will increase by five thousand, and this will continue. Every year, till salary reaches एटी थाउजेंड यस yes, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई साहब अब तक मेरे को वीडियो पे लाइक नहीं दिख रहा क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे को मार्केटिंग टीम बहुत मारती हैं ज अ डन चलो ध्यान से सुनो एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर वीजे जॉइंड एकत्वम लिमिटेड एट अ ग्रेड पे ऑफ

हमारे फ्रेंड को भी रिकमेंड कर रहे हैं देखो मैं एकदम सिंपल सी बात बोलता हूं अगर तुमको लग रहा है ना वर्थ है तो किसी को भी रिकमेंड सिंपल है हाँ जी एनीवन फोर लैख फोर लैख नाइन्टी वन थाउजेंड इज वन ऑफ द आंसर नाइन्टी फाइव फोर नाइन्टी फाइव इज द ऑप्शन देखिए जब उस ज्वाइन करेगा वन वन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री को उसका सैलरी होगा फोर्टी थाउजेंड डू यू अग्री एग्जैक्टली ऑन वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हिस सैलरी विल बी फोर्टी फाइव थाउजेंड डू यू अग्री आपका फाइनेंशियल ईयर है आपका फाइनेंशियल ईयर है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बराबर ना आपका फाइनेंशियल ईयर है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर राइट तो अब आपका सैलरी क्या होगा मतलब आपका ईयर बन रहा है एक चार दो हजार तेवीस से लेकर के थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस तक यानी क्या मैं कह सकता हूँ फोर्टी थाउजेंड इंटू नाइन एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू थ्री हाउ मच मच्स Coming to four lakh ninety five thousand. That's coming to four lakh ninety five thousand. ड यस और नो चलो सर पर मंथ इंक्रीज क्यों नहीं होगा एक मिनट मतलब एक कॉमन सेंस भी लगाया ना अगर बेटा तू ऐसा कौन सा एम्प्लॉयर है जो हर महीने सैलरी इंक्रीज कर देगा ऐसा नहीं होता बेटा एवरीथिंग टेक्स टाइम हाँ मतलब हर मंथ कौन इंक्रीज करेगा मेरे भाई हर मंथ वो भी पांच हजार से ह्यूमिलिटी भी इफेक्ट कितना होता है ये तो भी मालूम ही है तेरे को मतलब यू you नो know, अच्छा वो मेरे सामने बोला एडीजेड के सामने बोलता तो बहुत अलग गेम होता <laughs> मतलब वो वो पेशेंस टेस्ट हो जाता उन आदमी का तो चलो बेसिक सैलरी का कंसेप्ट समझ में आया नेक्स्ट कंसेप्ट बोनस बोनस भी टैक्सेबल है चलो बोनस से पहले मैं क्या बोलता हूँ पहले डीए लिख लेते हैं है ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा मैटर है डीए डीए भी टोटली totally टैक्सेबल होता है यस डीयरनेस अलाउंस ज्यादा करीबी का अलाउंस करीबी जिससे आती है गरीबी डीयरनेस अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बेसिक्स के जगह डीए दे दिया जाता है अब डियरनेस अलाउंस जो है बेटा ध्यान से समझना दो तरीके से दिया जा सकता है एक दिया जाता है कैश एक दिया जाता है परसेंटेज में कैश में दिया तो क्या लेने का एक्चुअल में दिया तो परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी अगर आपको परसेंटेज में दिया तो बेसिक सैलरी अच्छा दूसरी एक और बात समझना अनलेस ये इज कवर्ड इन रिटायरमेंट अजूम, ये इज नॉट कवर्ड फॉर द परपज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जब तक प्रॉब्लम क्लियर कट ना लिख दें तब तक अज्यूम कीजिएगा ये। Is not forming part of retirement. Is that done? चलो सी बोनस एक थोड़ा सा इंक्लूसिव पढ़ो तो तुमको थोड़ा मजा आएगा क्या मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का है पर मजा बहुत आएगा बताओ क्या ठीक है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस देता है मैं दोनों employer, को दोनों एस्पेक्ट समझाता हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस देता है एम्प्लॉयर के लिए इनकम या एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस अब इसमें मैं थोड़ा सा पी पे मिक्स कर रहा हूँ विल दैट एक्सपेंसेस भी अलाउड एज डिडक्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है करेक्ट सैलरी दे रहा है डी ए दे रहा है तीनों का डिस्कशन एक साथ कर लेते हैं है क्या एम्प्लॉयर को डिडक्शन बोल के अलाउ रहेगा क्या यस एक्सपेंसेस क्या रहेंगे उसको अलाउ कौन सेक्शन में थर्टी सिक्स कौन सेक्शन में अलाउ रहेंगे थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन तो बोनस रहेगा वो 36 में आता है सैलरी रहेगा वो 37 में जाता है एम्प्लॉय के लिए क्या ये इनकम है आंसर इज यस एम्प्लॉय के लिए क्या है इनकम तो अब एक बच्ची ने कल मेरे से बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा विच लेड मी टू टेल यू दिस एक बच्ची ने कल मेरे से सवाल पूछा बोले सर एम्प्लॉय जो है इसने इनकम ऑन करी ठीक है अब सवाल सुनिएगा हो सकता है भारत के कई बच्चों का ये सवाल हो क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो बात समझना तो उसने मेरे को ये सवाल पूछा और बहुत मतलब जेनुअनली पूछा बोले सर एम्प्लॉयर ने इनकम कमाई बराबर है तो उसने टैक्स दिया होगा अब इसमें से कुछ पोर्शन उसने निकाल के एम्प्लॉय को दे दिया एम्प्लॉय के हाथ में भी आप टैक्स कर रहे हो तो सर ये तो डबल टैक्सेशन हुआ ना मैंने कहा बेटा ये डबल टैक्सेशन नहीं हुआ पूछो कैसे अरे एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस क्लेम कर रहा होगा ना सैलरी पे कर रहे हैं तो ये अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हो रही सैलरी टू एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया उतने पोर्शन पे तुमने टैक्स किधर दिया तभी तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स कर रहे हो ना आई होप गेटिंग दिस दिस इज डबल डबल टैक्सेशन टैक्सेशन नो हम तब कहते हैं जब एक ही व्यक्ति एक ही इनकम पे दो बार टैक्स भरे यहाँ व्यक्ति अलग अलग हो जाता है समझ में आ रही है बात यहाँ व्यक्ति अलग अलग हो जाता है अच्छा बोनस कैसे दिया जा सकता है सर कैश में दिया जा सकता है परसेंटेज में, में दिया जा सकता है कैश में देंगे तो क्या लेंगे एक्चुअल ठीक है यहाँ पे क्या करना सैलरी अच्छा ये परसेंटेज नहीं नंबर ऑफ मंथ्स बोलता जाता है नंबर ऑफ मंथ्स नंबर ऑफ मंथ्स तो सैलरी इनटू नंबर ऑफ मंथ्स करो इज इट डन चलोनस क्लियर है डी क्या है भैया फीस इज टैक्सेबल एडवांस रियर्स टैक्सेबल कमीशन टैक्सेबल लीव इन कैशमेंट टैक्सेबल क्या, क्या और टैक्सेबल है, है? है जनरली संडे की बराबर है ना तो मान लो आपको संडे की छुट्टी मिलती है संडे की छुट्टी लिए बगैर जैसे मान लो किसी का लॉन्ग हॉलीडे हो सकता है छब्बीस जनवरी हो फिर सैटरडे हो फिर संडे होता है ऐसा लॉन्ग हॉलीडे है लोगों के दूसरे प्रोफेशन में बराबर है अब उसके जगह तुम तो खैर सी ए सी एस वाले हो तुम करोगे ही क्या तुम्हारे को और कुछ आता ही नहीं है ये yes नो no? तो तुमने बोला कि ठीक है हम ऑफिस में बैठ के काम कर लेंगे अब ये लीव लेने के बदले जो आपने क्या कर दिया कैश ले लिया इसे हम क्या कहते हैं लीव एंड कैशमेंट ये yes नो no? लीव पीरियड के लिए आपको क्या मिलती है सैलरी मिलती है लीव एंड कैशमेंट इज कम्प्लीटली टैक्सेबल फिर आता है अनकम्यूटेड पेंशन जॉब छोड़ने के बाद आपको मंथली पेंशन मिलता है क्या मिलता है बोलो जल्दी से मंथली पेंशन तो ये मंथली पेंशन जो है ये क्या हो जाएगा बेटा टैक्सेबल ये मंथली पेंशन क्या हो जाएगा टैक्सेबल तो यहां पे लिख दो और ई e के अंदर में सीधा सीधा लिख देना फीस कमीशन अर ऑफ सैलरी लीव एंड कैशमेंट ये सब टैक्सेबल में आ जाएगा ज डन चलो दैट वॉज द बेसिक पार्ट अब मैं यहां से अलावंस में न जाते हुए मैं सीधा कहां जा रहा हूं पक्स ठीक है नीचे आ जाओ सर समझ में आएगा क्या अरे तू वो मेरे पे छोड़ दे पक्स सीधा आ जाओ पक्स में वाह बेटे पक्सिज मतलब क्या होता है बेनिफिट इन काइंड बेनिफिट इन काइंड देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिर्फ कैश नहीं देता बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो काइंड में दिए जाते हैं बराबर है बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो काइंड में दिए जाते हैं काइंड में बराबर है अब काइंड में अगर बेनिफिट्स दिया जा रहा है तो इसे एज गुड एज कैश पकड़ के इसके फेयर मार्केट वैल्यू की टेक्सीबिलिटी लेके आते हैं अब ये अलग अलग चीजें देता है एम्प्लॉयर एक ही चीज देगा क्या नहीं अलग अलग चीजें देगा तो अलग अलग जब चीज़ें देगा तो इनके वैल्यूएशन के रूल्स निकले हैं इनके वैल्यूएशन का रूल है रूल नंबर थ्री इनके वैल्यूएशन का रूल क्या है रूल नंबर थ्री तो जब भी हम परक्विजिट लिखे अगर एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन दिखाना है तो परक्विजिट के बाजू में ब्रैकेट में लिखना रूल नंबर थ्री अब सारे ही परक्वजिट रूल नंबर थ्री के वैल्यूएशन में आते हैं समझ में आया तो थोड़ा सा अगर पेपर में ऐसा इंप्रेशन दिखाने का है तो रूल नंबर थ्री लिख देना वैल्यूएशन सारे वैल्यूएशन रूल थ्री में आते हैं अब उसके सब है वो सिर्फ नहीं लिखते बैठना सीधा रूल नंबर थ्री लिख देना उन्हें, क्या दे इस डिजर्व करता रैंक में में समझ मैं? लिख देने का अच्छा अब सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट आ जाते हैं गिफ्ट के ऊपर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है चलिए इसे ऐसे भी समझते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है थोड़ा डिटेल में समझाने के मूड में हूं बात समझना एम्प्लॉयर के लिए क्या है एक्सपेंसेस इज दैट अलाउड एज डिडक्शन मोबाइल कंप्यूटिंग पी जी बी पी टू एम्प्लॉयर टू ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट क्यों एक्सपेंडिचर मिलना चाहिए मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय अगर हम एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देते हैं ये एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन बनता है वो मेहनत और ज्यादा अच्छी करेगा इसीलिए बहुत से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं ज्यादा मेहनत करे इज दैट अलाउड अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी सेवन वन ये सुनो इंडिया में तो चलो गिफ्ट दे देते फॉरेन में तो बिचारों को पैसे भी नहीं देते एम्प्लॉय के हाथ में इज इट टैक्सेबल इन टैक्सेबल इन सैलरी यस अब इसमें और थोड़ा सा डीप में जाते हैं मान लीजिए एम्प्लॉय की शादी हो गई और उस पर गिफ्ट दिया शादी भी करेंगे ना एम्प्लॉय ऐसा क्या एम्प्लॉय की शादी पे गिफ्ट दिया इसका टैक्सेबिलिटी सैलरी में होगा टैक्सीबिलिटी होना चाहिए आई एफ ओ एस में बराबर है तो ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ सर्विस ही जो उसको गिफ्ट में दिया जा रहा है दैट विल बी ऑफ सैलरी बराबर है अब लॉ कहता है अगर, की है, है, पर अगर गिफ्ट की वैल्यू अपडम है तो परक्विजिट क्या पकड़ेंगे नील अगर यह बियॉन्ड रुपीज फाइव थाउजेंड है अगर ये बियॉन्ड रुपीज फाइव थाउजेंड है तो इसके दो एस्पेक्ट्स है समझना एक डिस्प्यूटेड मैटर है और आईसीएआई इसे दो बार सॉल्व करता है आईसीएमएआई भी दो बार सॉल्व करता है सी एस एग्जीक्यूटिव में भी ये दो ही बार सॉल्व होता है सर क्या इश्यू है देखिए वन स्कूल ऑफ है द मूवेंट वैल्यू ऑफ गिफ्ट एनम एक्सीड फाइव थाउजेंड द होल द होल द होल अमाउंट इज टैक्सेबल

उज तक एग्जाम ओनली थ्री थाउजेंड शुड बी टैक्सेबल नाउ ऐसे केस में आपने क्या करना चाहिए पहले आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए वो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से होना चाहिए दैट द मूवमेंट वैल्यू ऑफ गिट रूपीज फाइव थाउजेंड द होल अमाउंट शुड बी टैक्सेबल बट इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू राइट अ नोट एज अल्टरनेटिव सोल्यूशन ओनली डिफरेंस कैन बी टैक्सेबल एंड आंसर विल बी चेंज अकॉर्डिंगली समझ में आ रही बात सो बियॉन्ड रुपीज फाइव थाउजेंड ओनली टैक्सेबल ये कौन लेता है बेटा इंस्टीट्यूट ओनली डिफरेंस इज टैक्सेबल ये कहाँ लिखनी है नोट तो ये था पहला कंसेप्ट गिफ्ट से रिलेटेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा तो क्या होगा ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है क्या मालिक इसे इम्पोर्टेंट मार्क दूसरा, यूज़ ऑफ मूवेबल असेट देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसेट यूज करने के लिए दे देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करता है एसेट्स यूज करने के लिए दे देता है सवाल फिर से वही आ जाता है सवाल फिर से वही आ जाता है क्या एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है यस अब जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लेट से सोफा यूज करने के लिए दे दिया स्टडी टेबल यूज करने के लिए दे दिया किचन प्लेटफॉर्म का जो फर्नीचर है वो यूज करने के लिए दे दिया एंड सो फोर्थ कार फॉर दैट मैटर यूज करने के लिए दे दिया उसका परपोजिट अलग आएगा मूवेबल असेट में हम कार को इंक्लूड नहीं करते

एसेट लगभग खत्म हो चुका होता है दस साल के बाद सोचो ना क्या ही बचेगा तो उसका वैल्यू नील पकड़ा जाता है उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं आती क्लियर है दूसरा अर्लियर अगर होगा तो दो बातें होंगी कि एसेट्स आर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर पॉसिबल है ना दूसरा क्या है बेटा हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हो सकता है ये जो एसेट वो दे रहा है वो उसके ओन्ड हो हो सकता है उसने भी किराए पे लेके एम्प्लॉय को दिया हो अगर ओन्ड होगा तो आप लेंगे टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर हायर होगा मतलब उसने रेंट पे किया होगा उसने क्या पे किया होगा रेंट पे किया होगा एक्चुअल हायर चार्जेस ये परक्विजिट माना जाएगा ये क्या माना जाएगा परक्विजिट माना जाएगा जाहिर सी बात है पूरे टेबल का कॉस्ट तो सैलरी में ऐड नहीं कर सकते तो उसका सिर्फ टेन परसेंट माना जाता है तो टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट हायर होगा तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा होगा उतना हायर चार्जेस इंक्लूड कर देगा वो एम्प्लॉय की सैलरी में बराबर है अच्छा जी अब मेरे को एक बात बताइए कई बार कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है दैट इवन यू गिव द एसेट्स टू एम्प्लॉय एटलीस्ट रिकवर समथिंग आउट ऑफ दैट एसेट तो कई बार एम्प्लॉय की पॉलिसी होती है कि भैया तुमने एसेट उठा के एम्प्लॉय को दे दिया उसकी सैलरी से एटलीस्ट हंड्रेड रुपीज पर मंथ लो एज रेंट बर लो तो इसलिए क्या किया जाता है माइनस एनी थिंग रिकवर्ड माइनस एनी थिंग रिकवर्ड फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ आपने रिकवर किया होगा इफ एनी कुछ अगर रिकवर किया होगा इफ एनी तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा balance amount क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा. तो use of movable asset भी एक important, uh, है तो दस साल यूज करने के बाद दिया नथिंग इज टैक्सेबल सर पता कैसे चलेगा एम्प्लॉयर hmm, ने परकोजेट दिया है दोस्तों कैसे पता चलेगा एस, कैसे पता चलेगा बेटा तेरे को एम्प्लॉयर एक थी इसकी बराबर है अब धारा एक सौ के तहत धारा सेक्शन 192 के तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी कुछ देगा वो स्वीट सिक्सटीन में लिख के दे देगा फॉर्म नंबर ये रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 192 के तहत कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी अगर दे रहा है और अगर ये सैलरी अगर ये सैलरी एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जामेशन लिमिट से तो एम्प्लॉयर को क्या करने की जरूरत है टीडीएस और टीडीएस हो रहा है तो एम्प्लॉयर को वो हर चीज जो वो एम्प्लॉय को दे रहा है उसको फॉर्म सिक्सटीन के अंदर में मैंशन करके देना होता है मैंडेटरी है देना होता है समझ तो में आया इस तरह के से एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसको क्या क्या मिला इस तरीके से पता चलता है कि उसको क्या क्या मिला फॉर्म के तहत और ये मैंडेटरी होता है तो इस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय को पता चलता है या गवर्नमेंट को पता चलता है और क्योंकि फॉर्म सिक्सटीन में सारी चीजें जो टी डी एस कटता है वो कंपोजिट इनकम पे कटता है मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी पे नहीं जितना कंपोनेंट सैलरी के दिए जा रहे हैं और जो जो चीजें टैक्सेबल है वो सब इंक्लूड करने के बाद ही उस पर क्या कटता है टीडीएस समझ में आ रही बात इस तरह से उसे पता चलता है यस सर कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल एग्जाम होगा ना अरे हाउ भाई अभी तक मैंने खत्म कहाँ किया रुक तो सरी यस yes. अब यूज ऑफ मूवेबल असेट में एक इंपॉर्टेंट बात समझिए अगर कंप्यूटर एंड लैपटॉप है ये पर्सनल यूज के लिए दिया या फिर ऑफिशियल यूज के लिए दिया ये पूरा का पूरा क्या है एग्जाम तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप गिवन फॉर पर्सनल और ऑफिशियल यूज ये टोटली क्या है एग्जाम ये टोटली क्या है एग्जाम इज दैट डन चलो बहुत बढ़िया ये हो गया तीसरा तीसरा पर्क क्रेडिट कार्ड अगर ये ऑफिशियल यूज के लिए यूज होता है नील ये पर्सनल यूज के लिए यूज होता है तो वॉट एवर इज द एक्चुअल कॉस्ट लेस रिकवर्ड तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कई बार क्या देता है क्रेडिट कार्ड देता है ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है तो नील अगर ये प पर्पस के लिए यूज होता है तो एक्चुअल कॉस्ट लेस एनीथिंग इज दैट डन परफेक्ट विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू थैंक यू सो मच फॉर द डे आज के टारगेट जरूर पूरे कर लीजिएगा फटाफट एंड आपके जो भी दोस्त हैं जिनको लगता है डीटी सिर्फ पाछ हेड़े उनको बोल दीजिएगा आ जाए है ना भाई बोलो